देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने लॉज ऑफ रेडिकल्स को समझाने जा रहा हूँ। टोटल ऐसे तो पांच हैं, बट मैंने इनको छः में और फर्दर डिवाइड कर दिया है, तोड़ दिया है। तो एक एक करते हुए सारा बताता हूँ, इनको ध्यान से समझिएगा, इम्पॉर्टेंट है। एक बात बता दूँ आपको कि रूट के साथ ही, जैसे यहाँ पर लिखा होगा रूट के, यहाँ पर लिखा होगा अंदर, ये डिजिट नहीं है, ये मतलब जो भी नंबर लिखा होगा ये कोई डिजिट नहीं है। मतलब इन द सेंस, डिजिट इन द सेंस बता रहा हूँ कि मतलब ये ऑर्डर है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ड, एस यू आर डी। ये जो एन है इसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ड्स। यानी कि इसका मतलब क्या है, देखिए इसमें अभी मैं आपको और डिटेल में समझाऊँ, फिलहाल इसको ऑर्डर समझ लेना। जब हम इसको हटाते हैं, इस ऑर्डर को, यानी कि रूट को जब हमें हटाना है, तो रूट को हटाएंगे तो ए वेक्टर डालेंगे, और जो यहाँ पे जो रूट लिखा होता, जो रूट के बाहर जो ऑर्डर लिखा होता है ना, उसको लगाते हैं अपॉन में, वन अपॉन एन। बात समझ आई आपको? मैं ये बोल रहा हूँ जो अंडर रूट के अंदर ये जो ए लिखा हुआ है, इसका जब ये रूट हटेगा ना, तो रूट हटते वक्त इसके ऊपर पावर आनी है पहली बार। अब वो पावर कौन सी आएगी, जो यहाँ पे ऑर्डर होगा उसको देखते लिखेंगे। यानी कि जो अगर मान लो यहाँ पे एन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अपॉन एन। इसी तरह से अब ये भी एन लिखा हुआ है, बट इसके अंदर ये इसके ऊपर होल पावर एन कर दी। यानी कि जब मैं इस अंडर रूट ए के का रूट हटाऊँगा, तो जब रूट हटेगा तो इसका ऑर्डर देखना पड़ेगा। ऑर्डर क्या है, वन अपॉन एन, मतलब एन है तो वन अपॉन एन हो जाएगा। और इसके बाहर भी क्या है, वहाँ पर भी एन था। अब ये लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स का लॉ लग रहा है यहाँ पे, पावर के ऊपर पावर आ रही है, तो क्या होगा इस केस में, ये वन अपॉन, अच्छा हमेशा याद रखना ऐसा फ्रैक्शन जब भी आए तो हमेशा न्यूमिनेटर से ही मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से मत कर देना। तो ये बन जाएगा एन अपॉन एन, एन से एन कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, ए। तो ये इसको हम ऐसे लिखेंगे। इसके बाद ये आता है थर्ड वाला, जिसमें ए के ऊपर जो इसका ऑर्डर है ए का, वो अंडर रूट ए का, वो एन है। तो मैंने लिया इसका रूट आ रहा हूँ, तो रूट हटेगा तो ब्रैकेट के ऊपर इसकी पावर आएगी वन अपॉन एन। यहाँ पे बी के ऊपर भी फिर अगेन रूट हटेगा, तो बी के ऊपर पावर क्या आएगी, वन अपॉन एन। अच्छा अब जरा नोटिस करना, ये फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को अगर आप देखें, यहाँ से बेसिस अलग अलग है, साइन मल्टीप्लिकेशन का पावर सेम है, तो क्या होगा इसको हम लिखेंगे ए बी इसकी होल पावर वन अपॉन एन। होगा ये ओवर रूट भी लग रहे हैं आप लॉस जो पहले के पुराने आपने देखे हैं। अब इसे देखिए जी, इसमें पहले मैं बाहर वाला रूट डालता हूँ, ए के ऊपर वाला रूट नहीं डाला, जो सबसे बाहर वाला रूट है वो टाइम है, तो क्या बनेगा एन रूट ए, मतलब एन मीन्स ये उसका ऑर्डर था, तो इसके ऊपर पावर आ जाएगी वन अपॉन एन होल रूट पर। अब अगर मैं, अब मुझे ए के ऊपर से रूट डालना है, इसे क्या करूँगा, ए वन अपॉन एन और पावर है बाहर होल पावर वन अपॉन एन। अभी अगेन वही रूल लग रहा है, पावर पे पावर होती है तो क्या होती है, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो ए की पावर वन एम इंटू वन, वन और एम एम, मतलब ये ए के ऊपर पावर है वन अपॉन एम एम, मतलब कुछ इस तरह से ए टू द पावर वन अपॉन एम एम। अब इसी तरह से ये पाँचवा आ रहा है, इसमें मैंने लिख दिया ए इसका रूल रहेगा उसकी पावर वन अपॉन एम, बी इसके ऊपर रूट हटेगा तो वन अपॉन एम। अब ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हम इसको यहाँ पर इसको ऐसे ही ज़्यादा बस, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो पावर्स हैं, पावर्स इसकी सॉरी एन है ना, ये पावर सेम है, तो पावर सेम है, तो इसको हम ज़्यादा बस ये लिखते हैं ए बी की होल पावर वन अपॉन एन, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लिख सकते हम इसको। अब लास्ट बचा हुआ है सिक्स्थ वाला पार्ट, इसको कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे करेंगे, देखो तो इसका बेसिक थंब रूल ये होता है कि जो सबसे बाहर वाला रूट होता है ना उसको पहले हटाओ, तो सबसे बाहर वाला रूट हटेगा तो क्या आएगा, देखो एम है, ए की ए टू पावर पी की पावर होल एम, तो इसके ऊपर पावर आ जाएगी वन अपॉन एम, ठीक है जी। अब ये रूट ए की पावर पी एम के ऊपर है, तो ए की पावर पी एम, तो ये रूट हटेगा तो इस पर क्या आएगी पावर वन अपॉन एम,
और इसके ऊपर बाहर चली रही थी ये पावर वन अपन एन। तो पहले देखिए पावर पे पावर आ रही है, ये आएगा ए की पावर पी एम इंटू वन एम हो जाएगा अपॉन एम, ये एम सेम कट जाएगा यार। तो क्या बनेगा ए की पावर पी और उसकी पावर एन, अब पावर पे पावर फिर आ गई, तो इसको लास्ट लिख देंगे क्या ए की पावर पी अपॉन एन। तो ये मैंने आपको लॉज ऑफ रेडिकल्स बताए हैं, इन लॉज ऑफ रेडिकल्स के ऊपर फिर मैं अब आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा अभी, ठीक है जी। तो क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो पॉज ऑन द वीडियो, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।